हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपना स्वीट सा यूट्यूब चैनल स्पीड लर्निंग में। तो दोस्तों, पेन और कॉपी निकाल ले और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी से सॉल्व करेंगे आप, और लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही दो चार न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत अच्छा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला बात यहाँ ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व क्यों करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ ये आती है कि ध्यान से सुनिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व क्यों करते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए सॉल्व करते हैं कि हम लोग एक्स का कोई ऐसा वैल्यू चाहते हैं। एक्स का कोई, मान लीजिए एक्स का वैल्यू अल्फा है या अल्फा है, मान लीजिए एक्स का वैल्यू अल्फा है, तो एक्स का कोई हम लोग ऐसा वैल्यू चाहते हैं। अगर यही अगर एक्स का मान लीजिए ये वैल्यू एक्स निकला, मतलब अल्फ़ा निकला, तो अगर एक्स के जगह में यहाँ रख दे, एक्स का वैल्यू ये है अल्फ़ा है, तो एक्स के जगह में अगर रख दे, देखिए हम रख करके दिखा रहे हैं, रख दे तो पूरे जो इक्वेशन का वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा मेथड है श्रीधर आचार्य का तरीका। उसने एक फार्मूला दिया था। अब क्या फार्मूला होता है, कैसे बनता है, इसको अच्छा से डिटेलिंग के साथ समझने के बाद उस फार्मूला को हम लोग एक मेथड बाय मेथड सीखेंगे। देखिए, जो एक्स के ऊपर यहाँ दो टू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितना निकलेगा, दो निकलेगा। जो सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको कहते हैं रूट। रूट या अल्फा और बीटा क्या है, रूट है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, मूल। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितना निकलेगी, दो ठो निकलेगी, तो उसको क्या कहेंगे, रूट, जिसे हिंदी में मूल कहते हैं। अगर मान लीजिए एक्स के ऊपर पावर वन होता तो एक्स की वैल्यू एक ठो निकलती। थ्री होता तो, और एक्स की वैल्यू एक ही दो मतलब तीन निकलती। उसी तरह जितना अगर एन हो तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एन निकलती। तो उसी तरह जब यहाँ एक्स की वैल्यू टू है, एक्स के ऊपर पावर टू है, तो यहाँ दो रूट निकलेगी, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो इसलिए इस इक्वेशन का जो रूट है वो दो निकलेगी, एक अल्फ़ा निकलेगी और एक बीटा निकलेगी। और साथ ही यहाँ जो ए है और बी एंड जो सी है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए बी और सी रियल नंबर होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो चलिए आप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले श्रीधर आचार्य का तरीका यानी फार्मूला तो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा थोड़ा एग्जांपल कर लेंगे, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि ये फार्मूला कब कैसा, मतलब एक्स की वैल्यू कब कैसा निकलेगा, या एक्स की वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं जा सकता है इस फार्मूला से, मतलब जो फॉर्मूला बनाएंगे उससे निकाला जा सकता है कि नहीं, सभी एकदम डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, दोनों तरफ हम लोग भाग देंगे, यानी डिवीज़न करेंगे, दोनों तरफ डिवीज़न कैसे करेंगे, ए से करेंगे। जो यहाँ रहे, जो एक्स के बगल में रहे ना, जो एक्स के पास रहे, उसी से डिवीज़न करते हैं। अगर मान लीजिए एक्स यहाँ अगर टू होता तो नीचे टू से करते हैं, इसलिए एक्स के पास यहाँ है ए, तो इसलिए डिवीजन करते हैं ए से। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, बटे ए बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए, यहाँ
जीरो बटे ए इसका इसका वैल्यू होता है जीरो। तो देखिए आप यहाँ कुछ क्या ये कैंसिल हो जा रहा है, ये ऊपर ए नीचे है तो कैंसिल हो जाता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, यहाँ अगर ए है तो दोनों दोनों तरफ को डिवीजन करते हैं, मतलब भाग देते हैं ए से ही, या यहाँ अगर सी रहता तो यहाँ हम सी नीचे लिखते, इसलिए अगर इसलिए यहाँ ए है तो हम नीचे ए लिखे हैं। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। तो यहाँ क्या बचा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इजिकल टू ज़ीरो। तो और देखिए हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल यहाँ करना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, देखिए एक्स स्क्वायर हम लोग किए, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है टू आता है तो टू लिख लिए, और ये ए का मान क्या है, ए का मान है एक्स तो एक्स लिख लिए। अब देखिए हम लोग को इतना बनाना है, ध्यान से देखिए कि हम लोग को यहाँ इतना बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बी बाई टू ए लिखेंगे तो इतना बन जाएगा। कैसे बनेगा कि देखिए टू पॉइंट एक्स बटे टू ए, अगर इतना लिखेंगे तो दो और टू कैंसिल हो जाएगा या फिर बी एक्स बटे ए रह जाएगा। इसलिए हम लोग को इस तरह क्वाड्रेटिक इस तरह ए प्लस बी को सॉल्व करना है, इस तरह ए प्लस बी को सॉल्व करना है, इस फॉर्मूला का इस तरह इस्तेमाल करना है कि हम लोग का यहाँ इतना बन जाए। इसलिए देखिए यहाँ इस तरह से इतना बन जाता है, इसलिए v की यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई बी बाई टू ए होल स्क्वायर। देखिए जो ए टर्म आ रही है यहाँ, यहाँ देखिए ए टर्म है क्या, यहाँ मिल रही है ए टर्म ए टू हो गया, ए टर्म ए टू हो गया, लेकिन ए टू टर्म एक तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा टर्म आता है, जब एक्स्ट्रा टर्म आता है तो इसको माइनस कर देना है, इसको हटा देना है, माइनस करेंगे तो ए टू हट जाएगा बी बटे टू ए होल स्क्वायर प्लस सिंपली आप क्या बचा सी ए बचा। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ आ गया, एठो टर्म यहाँ आ गया, और एठो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था तो इसके इसको हटाने के लिए माइनस कर दिए, इतना से फिर इतना ही से यहाँ माइनस कर दिए, अब यहाँ प्लस, यहाँ लास्ट में सी ए है, सी ए हम लोग यहाँ लिख दिए, बचा जीरो। तो आप हम लोग इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख सकते हैं इस तरह, ये हो गया ए, मान लीजिए ए ए है प्लस ए, इसका फॉर्मूला से इसको इस रूप में है ना, तो इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, बी का मान कितना है टू ए है होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये मान लीजिए यहाँ के ए के जगह यहाँ ए है, यहाँ टू का टू, ए का ए, बी का बी, बी का बी बटे ए, इस तरह है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब क्या बचा, इतना तक तो हम लोग फॉर्मूला के अनुसार लिख लिए, तो उसके बाद यह हम लोग का बचा बी, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में बचा बी स्क्वायर बटे दो दुनी स्क्वायर में है, यहाँ दो दुनी चार हो जाएगा, स्क्वायर में है चार हो जाएगा, और ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी बटे ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो दो दुनी चार दो बार, टू के ऊपर पावर स्क्वायर टू फोर होता है, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, जीरो। इतना सॉल्व हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको और अच्छा से इधर अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है इन दोनों ये जो दोनों टर्म है इसको हम जीरो के उस पार भेजेंगे, यहाँ इजिकल टू जीरो के उस पार भेजने से ये माइनस वाला प्लस हो जाएगी, फोर ए स्क्वायर जो प्लस वाला है इधर भेजने से जीरो जीरो की तरफ भेजने से प्लस वाला माइनस हो जाती है, हो गया। तब लिखिए फिर यहाँ बी बाई टू ए होल स्क्वायर, सिंपली यहाँ फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम तो जानते हैं ना, फोर ए स्क्वायर और इसका एलसीएम, सबसे पहले ए से जाएगा तो फोर ए हो जाएगा
और यह 1 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक भाग गया, एक ही बार में गया इसलिए बी स्क्वायर हो गया, यहाँ ए का ए खत्म हो गया तो 4ac हो गया, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, ए इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और इससे ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, 4ac हो गया। तो उसी तरह अगर मान लीजिए आप देखिए कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू यहाँ वाई है ना, अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो ये रूट में हो जाता है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पावर अगर 2 रहेगा स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पावर टू है ना, अगर इसको अगर उधर भेजेंगे यहाँ रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर हो गया। इधर वाला को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको इधर समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहां लिख रह रहा हूं, यहां लिख लेता हूं, जिसे आप ध्यान से एक तो चीज और देखिए, अगर एक्स वाई अगर इस तरह से हो, मैथमेटिक्स है, आपको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, तो रूट में अगर रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए, एक्स वाई अगर इस तरह से हो या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ देखिए एक्स प्लस बी 2a, यहाँ इस तरह से है, देखिए यहाँ अब ऐसे करके लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, यहाँ अगर 4a स्क्वायर रूट से हटेगा तो क्या होता है, देखिए 2a गुना 2a होगा, क्योंकि 4a स्क्वायर को तोड़ेंगे 2a गुना 2a होता है, तो रूट से एक ठो बाहर आता है, समझे, रूट से एक ठो बाहर आता है, दो ठो रहेगा तो एक ठो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ इसलिए यहाँ हो जाता है 2a। अब देखिए एठो जो 2a है अब उधर भेजेंगे हम लोग, तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो उधर भेजेंगे, तो माइनस बी 2a, जब यहाँ रूट होता है ना दोस्तों तो यहाँ प्लस माइनस होता है, हटता है तो यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाता है, रूट होता है, देखिए जैसे यहाँ है रूट के पास प्लस माइनस साइन होता है, एक्स स्क्वायर है ना इजिकल टू वाई है, तो एक्स इजिकल टू अगर रूट यहाँ करने से यहाँ दो साइन होती है, प्लस और एक ठो माइनस की, इसलिए यहाँ कितना क्या कैटो साइन होगा, एक ठो प्लस एक ठो माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा फाइनल हो गया, अब यहाँ इसको ये जो है इसको हम लोग यहाँ अच्छा से लिख लेते हैं, x इजिकल टू माइनस बी वाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, 2a यहाँ लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ फॉर्मूला बन चुका है, तो देख आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि जो एक्स यहाँ होगी, एक्स यहाँ जो एक्स होगी उसकी वैल्यू 2 होगी, जो यहाँ एक्स होगी उसकी वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स की वैल्यू यहाँ एक बार क्या होगी माइनस बी बटे ए इतना होगी, सॉरी माइनस एक बार प्लस के लिए होगी लिखना है, एक बार माइनस के लिए लिखना है, एक बार प्लस के लिए तो इतना लिख लेना है, प्लस लिख देना है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार प्लस के लिए लिखे और एक बार माइनस के लिए लिखेंगे इसके एक्स की वैल्यू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए इस इक्वेशन का जो एक्स का वैल्यू है 2 निकला, एक बार यहाँ प्लस माइनस था ना, एक बार यहाँ प्लस और एक बार यहाँ माइनस, इसलिए एक्स का मतलब इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैटो है 2 रूट है,
ये क्या हो गया, ये हो गया रूट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो दो रूट है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये कुछ आपको अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ये है क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप इसको बिल्कुल इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके अच्छा से सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्मूला लिखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सी का मान, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है एक्स के साथ जो यहाँ गुना कितना है एक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ वन। सिंपली हम लोग को तुलना करना है। उसी तरह बी का मान क्या है, बी एक्स का टर्म यह वाला है तो बी का मान हो गया माइनस थ्री। अब सी का मान कितना है, सी का मान कितना हो गया माइनस 70। यहाँ तुलना करना है सिंपली, ये तो इक्वेशन से हम लोग को तुलना करना है। एक्स के पास कुछ नहीं है तो एक्स के पास, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो गुना में एक्स स्क्वायर के पास है, ए का मान यहाँ वन हो गया और बी का मान हो गया माइनस थ्री, एक्स के पास जो गुना है वो हो गया माइनस थ्री और सी का मान हो गया माइनस 70 हो गया। तो सिंपली जो हम लोग का निकला है यहाँ क्या निकला है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। जो जो वैल्यू है वो सबको यहाँ रख देने पर टू की वैल्यू कितना है माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान है वन और सी का मान कितना है माइनस 70। टू ए का मान है वन, तो इसको सॉल्व करने पर थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया प्लस माइनस नाइन, कितना हो जाएगा 280 या टू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको जो थ्री प्लस माइनस इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 289 आ जाएगा बाई टू। इतना देख लिए, एक्स का दो ठो वैल्यू आएगा, एक ठो प्लस के कारण एक ठो माइनस के कारण। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो एक्स का दो ठो वैल्यू आएगा तो एक्स का एक ठो प्लस के कारण आएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको रूट से हटा देते हैं, थ्री प्लस माइनस 289 किसका रूट होता है 17 का, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 17 बाई टू, क्योंकि 289 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 17, तो रूट के अंदर से एक ही तो आता है 17, इसलिए 289 का रूट 17 हो गया। इसलिए x का वैल्यू यहाँ दो टू होगी, x का वैल्यू कितना होगी 3 प्लस 3 प्लस 17 बाई टू, टू 3 माइनस 17 बाई टू। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 20 बाई टू, एक ठो हो जाएगी x का वैल्यू हो जाएगी एक ठो 10 और x का वैल्यू एक ठो कितना हो जाएगी माइनस 40 बाई टू, एक ठो x का वैल्यू हो जाएगी माइनस 7। इसलिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 रख x के जगह में 10 रख 10 रखने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और x का मान यहाँ अगर माइनस 7 भी रखने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हम लोग कंपेयर करके यहाँ से, यहाँ जो क्या है कि गुणनखंड यहाँ क्या है, गुना क्या है, गुणनखंड नहीं गुना क्या है, इसी को देख करके हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और हम लोग a का मान निकाल लेते हैं और इक्वेशन को यूज़ करते हैं, प्लस और माइनस के लिए दो बार लिखते हैं। इसी तरह हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है और कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं होता है। सॉरी बोर्ड गिर गया है। कहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सॉल्व होता है और कहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, उसी की हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोग सिंपली अभी बताने वाले हैं, नेचर बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, कि हम कैसे पता सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, किस तरह का है, कैठो रूट निकलेगा, किस तरह का रूट निकलेगा। जैसे सिंपली जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि श्रीधर आचार्य का जो ये तो फार्मूला को श्रीधर आचार्य का फार्मूला कहते हैं, जो यहाँ फार्मूला बना है ना, तो इसको कहते हैं श्रीधर आचार्य का फार्मूला। तो सिंपली इस फार्मूला को हम लोग अपनाते हैं, लेकिन कब ये फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कब नहीं, मतलब रूट जो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे कब किस तरह होगी, अब कब सॉल्व नहीं होगी, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे यहाँ बी स्क्वायर है माइनस, यहाँ टर्म में बी स्क्वायर है माइनस फोर ए सी है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से, समझे, डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में निरूपक कहते हैं, निरूपक, हिंदी में इसको कहते हैं निरूपक, डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में इसको कहते हैं निरूपक। अगर कुछ बातें हैं, अगर d इज इक्वल टू, अगर एक नंबर d इज इक्वल टू, अगर इफ d इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हो, d इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हो, तो जो रूट x का वैल्यू आएगी, जो x का वैल्यू आएगी, रूट आएगी, रूट कैसा होगा, रूट कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। जो x का जो अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो है तो रूट क्या, एक ठो रूट क्या होगी, दोनों ठो रूट बराबर होगी और रियल होगी, वास्तविक होगी, समझे। उसी तरह दूसरा नंबर, अगर d ज़ीरो से बड़ा हो तो जो रूट होगी वो रियल होगी, लेकिन इस बार क्या होगी, यहाँ क्या था, इक्वल था, जो दोनों x का जो वैल्यू आएगा, दोनों ठो वैल्यू आएगा, वो दोनों इस केस में क्या था, इक्वल, बराबर थी, लेकिन इस केस में अनइक्वल होगी, अनइक्वल होगी, समझे। और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है अगर d से बड़ा अगर ज़ीरो हो जाए तो कोई रूट नहीं होगा, नो रूट, नो रूट। सिंपली ये तीनों आपको अच्छा से मालूम करके रखना है। अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब d इज इक्वल टू ज़ीरो हुई तो रूट जो होगी एक रियल होगी, दोनों रूट रियल होगी और दोनों रूट बराबर होगी। अगर d बड़ा है ज़ीरो से तो रूट रियल होगी और अनइक्वल होगी। अगर d से बड़ा ज़ीरो है, इस तरह है, d से बड़ा ज़ीरो निकला तो कोई रूट आपको नहीं मिलेगा, कोई रूट नहीं निकलेगा। तो समझ लीजिए सिंपली, चलिए आप इस सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इसको कॉपी में अच्छा से उतार लीजिए, इसका अभी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहा जाता है, ये हम लोग बताएं कि रूट का नेचर किस तरह का होता है। तो रूट का नेचर आप देख सकते हैं, यही तीनों पॉइंट अच्छा से याद करना है, एग्ज़ाम में यहीं से पूछता है। और अच्छा से आपको वो फॉर्मूला जो है श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है, अच्छा से आपको याद करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। जैसे 3x² प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ बताने बोला है कि रूट का नेचर बताओ, रूट किस तरह का है, दोनों जो रूट हम लोग को मिलेगा, एक्स का जो दोनों वैल्यू मिलेगा वो किस तरह होगा, वो रूट का नेचर बताने बोला है। तो सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ इस क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म इसका लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर समय ऐसे ही करना है, जनरल फॉर्म लिख के, ए के जगह में क्या है, ए के जगह में है 3 और बी के जगह में क्या है एक्स, यहाँ एक्स में देखना है दोस्तों, यहाँ एक्स एक्स मिल गया, बी के जगह में एक्स के पास कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, बी के जगह में है 1 और सी के जगह में है क्या, माइनस 1। तो सिंपली डी डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी का मान रखने पर बी का मान है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 हो गई 1 प्लस 12 13,
देखिए यहाँ दोस्तों, डी इज इक्वल टू 13 निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, डी जीरो से बड़ा है। जब मैंने आपको बताया अगर डी जीरो से बड़ा हो तो रूट कैसा हो इसका होगा, रूट कैसा होगा, डी जीरो से बड़ा हो तो रूट क्या होगा, रियल होगी, रूट क्या होगी, रूट होगी रियल होगी और अनइक्वल होगी। मतलब जो दोनों वैल्यू निकलेगा, दोनों रूट बराबर नहीं होगी और दोनों वास्तविक होगी, वास्तविक संख्या होगी, समझिए दोस्तों। इसी तरह से आपको मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये है 4x² - 4x + 1 = 0। तो सिंपली हम लोग को जनरल फॉर्म से फिर कंपेयर कर देना है, प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो ए का मान कितना हुआ, 4 हो गया, बी का मान कितना हुआ, सिंपली यहाँ देखना -4 है। यहाँ प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग प्लस के लिए सॉल्व किए हैं, यहाँ अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो -4 हो गया, सी इजिकल टू 1 है, सी का वैल्यू यहाँ 1 है। सिंपली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, निरूपक देखेंगे जो कैसा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, क्या किस तरह का है। तो बी स्क्वायर में निरूपक यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को कहते हैं। तो सिंपली इसमें इसका मान बैठाने पर b का मान -4² - 4 × 1 कितना होगा, यहाँ 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ d इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 निकल रहा है। मैंने आपको बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 निकले तो रूट कैसा होगा, रूट हो जाएगा रियल, वास्तविक होगी और इक्वल होगी। दोस्तों जो रूट निकलेगी वो रियल और इक्वल निकलेगी, रूट जो होगी रियल और बराबर और वास्तविक निकलेगी रूट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।